हेलो यूट्यूब, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अमोघ अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू लॉन्च किगर के बारे में। ये इसका टॉप स्पेक वेरिएंट है RXZ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं गाड़ी के अंदर और किस प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है ऑल न्यू किगर की के ऊपर आपको चार बटन्स मिलेंगे, लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प्स का बटन। पीछे आपको रेनो का लोगो मिलता है। रेनो ने इसको स्मार्ट एक्सेस कार्ड के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। काफ़ी यूनिक की है, काफ़ी न्यू डिज़ाइन है की का। थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में, लेकिन देन इट विल बी गुड टू गो। ये है ऑल न्यू रेनो की किगर, जो कि रिसेंटली रेनो ने इसको लॉन्च किया है। ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के रेंज में एक न्यू प्रोडक्ट है रेनो की तरफ से। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो मेन राइवल है वो है निसान की मैग्नाइट। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक्स मिलेंगे गाड़ी के, नो टू वेज अबाउट इट। फ्रंट में आपको मैसिव रेनो का लोगो मिलता है। ग्रिल मिलेगी क्रोम इंसर्ट्स के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है और काफ़ी रिफ्रेशिंग और बोल्ड लुक्स है गाड़ी के एज़ कम्पेयर टू निसान की मैग्नाइट, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेन बेसिक सटल लुक मिलता है। तो जिन लोगों को कार के लुक्स में बोल्डनेस चाहिए होती है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगेगी रेनो की किगर। तो जिन लोगों को कम प्राइस रेंज में एक एग्रेसिव लुकिंग कार चाहिए, उनको ज़रूर अट्रैक्ट करेगी रेनो की किगर। लाइट्स की बात करते हैं तो आपको स्लीक लुकिंग DRLs मिलते हैं ऊपर। नीचे आप देख रहे हैं कार के इंडिकेटर्स, स्वाइपिंग होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते, और जैसे ये फ्रंट ग्रिल के साथ मर्ज हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। नीचे आपको ट्राई ऑक्टा प्योर विजन LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसकी हाउसिंग में आपको ब्लैक इंसर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। नीचे बम्पर की बात करते हैं तो आपको स्टाइलिश लुकिंग बम्पर मिलता है ब्लैक कलर की क्लैडिंग के साथ। तो जो कार का फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टीनेस ऐड कर रहा है कार के फ्रंट लुक को। चलिए गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो आपको 3991 mm की लेंथ मिलेगी, 1750 mm की विड्थ, 1605 mm की हाइट मिलती है और 2500 mm का व्हील बेस मिलेगा। और ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी की 205 mm की है। साइड से गाड़ी आपको कॉम्पैक्ट SUV का फील ज़रूर देगी। टायर्स की बात करते हैं तो आपको सिल्वर कलर के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करें तो 195/60R16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। व्हील के ऊपर आप क्लैडिंग देख सकते हैं या फिर आप व्हील आर्च बोल सकते हैं। ऊपर आपको फेंडर के ऊपर RXZ की बैजिंग मिलेगी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। साइड प्रोफाइल में ये जो आपको बॉडी क्लैडिंग मिल रही है ब्लैक कलर की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी के साथ। ये आप देख रहे हैं कार के ORVMs टर्न इंडिकेटर्स के साथ, जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलेंगे आपको। किगर के अंदर आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। जो आप कलर देख रहे हैं वो है कैशपेन ब्लू, जिसके साथ आपको डुअल टोन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको रूफ प्लस पिलर्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो पर्सनली। ऊपर आप देख रहे हैं सैटिन सिल्वर रूफ रेल्स, जिसकी लोडिंग कैपेसिटी है 50 kg की, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। प्लस आप ये देख सकते हैं कार का शार्क फिन एंटीना। तो ओवरऑल गाड़ी के जो साइड लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। प्लस जितनी ये कॉम्पैक्ट बाहर से लगती है, उससे ज़्यादा ये कंफर्टेबल है अंदर। काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी आपको। रियर लुक की बात करें तो थोड़ा सा स्लांटिंग रियर लुक मिलता है आपको। मुझे ये स्पोर्ट्स बैग का फील देता है पूरा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली। मुझे फ्रंट से ज़्यादा इसका रियर अच्छा लगा। नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं बम्पर के ऊपर, ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है सिल्वर कलर के स्किड प्लेट के साथ। प्लस आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं कार का एग्जॉस्ट पाइप। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। ऊपर की बात करते हैं तो आपको स्पोर्टी लुकिंग स्पॉइलर मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस आप ये देख रहे हैं कार का रियर वाइपर, डिफॉगर्स, वॉशर्स, प्लस आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाएगा। रेनो की ब्रांडिंग मिलेगी, किगर की ब्रांडिंग मिलेगी, प्लस RXZ जो कि मॉडल है उसकी ब्रांडिंग मिलेगी आपको बूट पे। ये आप देख रहे हैं गाड़ी के सी शेप LED टेल लैम्प्स, जिसमें आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, रिवर्स लाइट मिलती है, और ये कहीं ना कहीं सिविक से इंस्पायर्ड ज़रूर लगती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक्स दे रही है कार को रियर प्रोफाइल से। नीचे बम्पर पे ही आपको लाइसेंस प्लेट लाइट मिलती है। चलिए इसका बूट ओपन करके देखते हैं तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट को ओपन करने के लिए। बूट में ये आप देख सकते हैं, बूट ओपन करेंगे तो आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिलेगी। बॉक्सी डिज़ाइन के साथ बूट मिलता है। लोडिंग सिल थोड़ी सी हाई है, लेकिन कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपको। बूट स्पेस की बात करें तो 405 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ सफिशेंट फॉर अ स्मॉल फैमिली।
बूट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दो हुक्स मिलते हैं बैग को हैंग करने के लिए, प्लस इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 3 kg ईच हुक की है। चलिए कार के स्पेयर व्हील को ओपन करके देखते हैं, तो आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा इसके अंदर, नॉर्मल व्हील ही मिलता है जैसे आपको निसान की मैग्नाइट के अंदर मिलता है रेड कलर का। प्लस आप कार की टूल किट देख सकते हैं, रियर सीट आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलेगी। नीचे आप बम्पर के ऊपर देख सकते हैं कार का लाइसेंस प्लेट लाइट प्लस कैमरा जो कि बम्पर के अंदर इंटीग्रेटेड मिलेगा आपको। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी ओके है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, लाइट भी फील नहीं होगा आपको और हैवी भी फील नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं हर्ड साउंड। चलिए गाड़ी का रियर डोर ओपन करके देखते हैं, तो वाइड ओपन डोर तो नहीं मिलेगा आपको, विंडो ग्लास एरिया देख सकते हैं आप गाड़ी का, ब्लैक और सिल्वर कलर के एक्सेंट्स के साथ आपको डोर पैड्स मिलेंगे। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये लगी, जो इसका डोर लॉक स्विच है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल और चीप फील होता है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, प्लास्टिक पैडिंग मिलती है डोर पैड पे, हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलेंगे आपको, सिल्वर कलर के एक्सेंट्स देखने के लिए मिलेंगे डोर पैड पे, टेक्सचर्ड मटेरियल मिलता है आपको, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्लस आपको लेदर अपोल्स्ट्री भी मिल जाती है डोर पैड के ऊपर, ये आप देख सकते हैं लेदर अपोल्स्ट्री, विंडो पावर स्विच। नीचे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेगा, प्लस थोड़ी सी स्पेस मिलती है मोबाइल फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए या फिर मैगजीन होल्डर्स बोल सकते हैं आप। प्लस आप ये देख रहे हैं कार का स्पीकर ग्रिल। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कार का फैब्रिक अपोल्स्ट्री, लेदर अपोल्स्ट्री का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर की फैब्रिक अपोल्स्ट्री मिलती है वाइट कलर की स्टिचिंग के साथ। प्लस आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे रियर में, और ये आप देख रहे हैं कार का आर्मरेस्ट जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, प्लस एक स्लॉट मिलता है मोबाइल फ़ोन या वॉलेट को जड इन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, तो आप ये देख सकते हैं पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती है इसकी 60-40 स्प्लिट सीट्स, जो कि हेल्प करेगी अगर आप दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है बूट के लिए। चलिए इसके रियर में बैठ के देखते हैं, तो मैंने फ्रंट सीट्स अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई थी, विच फॉर रेफरेंस इज 5'9", तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैसिव लेग रूम है मेरे पास और स्पेस मिलती है सीट्स के नीचे पैर को स्ट्रेच करने के लिए। मैं तो बोलूँगा अगर कोई 6 फीटर भी कार के फ्रंट सीट्स में बैठा है तो भी कोई इशू नहीं आएगा रियर स्पेस में। प्लस आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं कार के एसी वेंट्स, रियर के एसी वेंट्स मिलेंगे आपको, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। फ्लोर हम्प की बात करूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट है फ्लोर हम्प, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे। चलिए मैं आपको थर्ड रो के मिडल सीट पे बैठ के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है मेरे पास, कोई भी इशू नहीं था मुझे पर्सनली शॉर्ट ट्रिप्स में। हाँ लॉन्ग ट्रिप में आपको ज़रूर इशू आएगा, शॉर्ट टर्म में कोई भी इशू नहीं आएगा। अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हैं आप, जो कि मुझे डिसेंट लगा। तो ओवरऑल रियर स्पेस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, नो टू वेज अबाउट इट। ऊपर आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 2 ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, हुक इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं कार का रीडिंग लैंप, जो कि आपको रियर में मिलता है, जो कि आपको LED नहीं मिलेगा, हैलोजन बल्ब ही मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर रियर एंड से, ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा निसान की मैग्नाइट का, कुछ सिमिलर बिट्स मिलते हैं आपको निसान की मैग्नाइट से जो कि आपको किगर के अंदर ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं कार का हेडरूम, जब मैं कार की सीट्स में बीच में बैठा था जो कि मुझे सफिशेंट लगा। प्लस ये आप देख सकते हैं हेडरूम, जब मैं कार के साइड में बैठता हूँ, जो कि मैसिव है, 6 फीटर्स को भी कोई भी इशू नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। चलिए गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं, तो एक फीचर जो मुझे मिसिंग लगा आज की डेट में वो है पैसिव एंट्री। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता आपको गाड़ी के अंदर, आपको की से ही लॉक या अनलॉक करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कार का डोर स्विच, जो काफ़ी ज़्यादा चीप लगा मुझे पर्सनली। ये आप देख रहे हैं कार के डोर हैंडल्स, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक नाइस टच लगा मुझे। डोर पैड पे आपको सेम ब्लैक और सिल्वर कलर के एक्सेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, सिल्वर ट्रीटमेंट देख सकते हैं आप, टेक्सचर्ड मटेरियल मिलेगा आपको डोर पैड पे, और ये लेदर अपोल्स्ट्री मिलती है। कंट्रोल्स की बात करें तो आपको चाइल्ड लॉक सेफ्टी बटन, पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स करने के बटन मिल जाते हैं डोर पैड के ऊपर। ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलेगी, प्लस आप ये एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं जो कि आपको फ्रंट डोर पैड्स पे मिलती है, प्लस आपको सेंटर कंसोल में भी मिल जाएगी एम्बिएंट लाइट। नीचे आपको स्पेस मिलती है 1 लीटर बॉटल को होल्ड करने के लिए, प्लस आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं गाड़ी का स्पीकर ग्रिल डोर पैड के ऊपर।
फ्रंट सीट्स की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्ट के साथ फ्रंट सीट्स मिलेंगी। बैकरेस्ट एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट करने का लीवर मिलता है आपको, प्लस आपको सीट्स को फ्रंट या बैक एडजस्ट करने का लीवर मिलेगा। अपोल्स्ट्री की बात करें तो आपको फैब्रिक अपोल्स्ट्री ही मिलेगी ब्लैक कलर की वाइट स्टिचिंग के साथ। कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं। कार के पेडल्स, डेड पेडल आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। कार की सीट्स को फ्रंट या बैक एडजस्ट करने का लीवर, और ये आप देख सकते हैं कार का फ्यूल लीवर। ये आप देख रहे हैं कार का हेडलाइट लेवलर, जो कि एक ऑड पोजीशन पे लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा अगर आप ड्राइविंग करते टाइम इसको एडजस्ट करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कार का एसी वेंट, जिसके ऊपर आपको क्लियर एयर लिखा हुआ मिलेगा। काफ़ी ऑड लगा मुझे ये, लेकिन रेनो ने दिया है तो किसी रीज़न की वजह से दिया होगा। चलिए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे हॉप इन करते हैं। तो चलिए स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा वाइट स्टिचिंग के साथ, विच इज़ अ वेरी नाइस टच, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी नाइस टू होल्ड था इसका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पे बीच में आपको बड़ा सा रेनो का लोगो मिलेगा, प्लस आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्टीयरिंग व्हील को देखने में। हॉर्न की बात करते हैं तो आपको सिंगल टोन हॉर्न मिलता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीप लगा। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में आपको डुअल हॉर्न तो ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सोर्स बटन मिलता है, मोड बटन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन करने के बटन्स मिलेंगे, वॉइस कमांड का बटन मिलता है, कॉल पिक या ड्रॉप करने का बटन मिलेगा, और राइट हैंड साइड आपको MID में कंट्रोल करने के टॉगल स्विचेस मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट हैंड साइड आपको लीवर मिलता है, जहाँ से आप कार के वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट और रियर वाइपर को, और राइट हैंड साइड आपको लीवर मिलता है, जहाँ से आप अपने हेडलाइट और इंडिकेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट की बात करें तो आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, यानी कि आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। गाड़ी की अटेंशन टू डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी आपको क्रोम इंसर्ट्स दिखने के लिए मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। प्लस जब गाड़ी ऑफ भी होगी तब भी आपको फ्यूल लेवलर, टोटल किलोमीटर्स, आउटसाइड टेम्परेचर जैसे सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इसके स्पीडोमीटर को ऑन करते हैं तो ये ऐसे लाइट अप करता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फुल डिटेल डिस्प्ले मिलती है आपको, लेफ्ट हैंड साइड आपको इंजन टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, राइट हैंड साइड फ्यूल लेवलर, बीच में आपको बड़ी सी MID मिलती है, MID के अंदर आपको डिटेल डिस्प्ले मिलेगा। स्पीडोमीटर देख सकते हैं आप गाड़ी की, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल किलोमीटर्स, डिस्टेंस टू MT, एवरेज माइलेज, प्लस आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, और डिटेल स्पीडोमीटर तो आपको मिलता ही है। तो ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, नो टू वेज अबाउट इट। कार का USP ज़रूर बन सकता है इसका स्पीडोमीटर। मुझे पर्सनली इसके स्पीडोमीटर के जो आउटलुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। प्लस इसके अंदर आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, उसके अकॉर्डिंगली भी इसके जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाती है। अगर कंपेयर करें निसान मैग्नाइट से तो मैग्नाइट के ग्राफिक्स आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे, लेकिन लुक्स इसके ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोड पे आपको रेड थीम मिलती है, इको पे ग्रीन थीम मिलेगी स्पीडोमीटर की, और नॉर्मल मोड पे आपको ब्लू थीम मिलती है, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका स्पीडोमीटर। चलिए इंटीरियर्स की बात करते हैं तो नो टू वेज अबाउट इट, आपको निसान मैग्नाइट की याद ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको इसके इंटीरियर्स के अंदर कुछ बिट्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको सिमिलर लगेंगे निसान मैग्नाइट की तरह। ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे डिसेंट लगी, मैग्नाइट की ज़्यादा बेटर लगी मुझे इंटीरियर क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू रेनो की किगर। ये आपको ब्रोंज मटेरियल मिलता है, इसके ऊपर आपको प्रिंटिंग देखने के लिए मिलेगी, ब्लैक और ब्रोंज का ऑप्शन मिलता है आपको इंटीरियर्स के अंदर। ये आप देख रहे हैं कार का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, रेडियो, नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऑक्स जैसे सारे फंक्शन मिल जाएंगे। प्लस इसके अंदर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, और व्हीकल की इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके अंदर काफ़ी सारी मिल जाएगी, और आप गाड़ी की सेटिंग्स भी इसके अंदर काफ़ी सारी कर सकते हैं। प्लस आपको पार्किंग मोड और ड्राइविंग मोड भी इसके अंदर मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली। टच के रिस्पॉन्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टच था, फेदर टच तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव ज़रूर था इसका टच स्क्रीन, नो टू वेज अबाउट इट। नीचे आपको दो AC वेंट्स मिलेंगे, मुझे ये याद दिलाते हैं टाटा नेक्सॉन की। उसके नीचे आपको तीन बटन्स मिलेंगे, रियर डिफॉगर बटन, हैजार्ड लाइट बटन, प्लस डोर को लॉक या अनलॉक करने का बटन। ये आप देख रहे हैं कार का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, ये आपको सिमिलर मिलेगा जैसे आपको निसान मैग्नाइट के अंदर मिलता है।
यस ये अच्छा ज़रूर लगता है, रोटरी ड्रायल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लस आपको इसके अंदर डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, और जो बटन्स का फील है वो आपको कॉकपिट डिज़ाइन की तरह ज़रूर फील कराएगा। नीचे आपको स्पेस मिलती है मोबाइल फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए, या फिर आप यहाँ पे अपना वायरलेस चार्जिंग पैड भी एज एन एक्सेसरी परचेस कर सकते हैं। USB पोर्ट मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको। नीचे आपको स्पेस मिलती है मोबाइल फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए, प्लस आपको एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलेगा यहाँ पे। पीछे आपको गियर लीवर मिलता है जिसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, प्लस आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। गियर बूट पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिलेगी, प्लस आपको क्रोम इंसर्ट्स और पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है कार के कैबिन के अंदर बैठ के। ये आप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइट का स्विच, यहाँ से आप एम्बिएंट लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि आपको ड्राइवर साइड डोर पे मिलती है, प्लस आपको फ्रंट में मिलती है कंसोल पे। अकॉर्डिंग टू मी रियर डोर पर भी देनी चाहिए थी रेनो को एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन, काफ़ी अच्छा लगता है ये। पीछे आपको ये देखने के लिए मिलेगा रोटरी नॉब, जिसमें आपको इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रोम इंसर्ट्स के साथ मिलेगा आपको ये। पीछे सेंटर कंसोल पे आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये आप देख रहे हैं कार का लेदर रैप हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ। आर्मरेस्ट मिलता है आपको, जो कि आपको लेदर रैप मिलेगा, स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ नहीं मिलता। स्टोरेज स्पेस डीप मिलती है आपको, प्लस इसके अंदर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन नहीं मिलता। इस शटर को आप स्लाइड इन करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाता है काफ़ी सारा सामान को जड इन करने के लिए। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है। ऊपर वाले ग्लव बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको इसके अंदर चिलर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आप अपनी कोई भी बेवरेज को इसके अंदर रख के ठंडा कर सकते हैं। डैशबोर्ड का जो लोअर पार्ट है उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लगी। नीचे वाले ग्लव बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, प्लस आपको स्पेस मिलती है सनग्लास को होल्ड करने के लिए, पेंस रखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डीप स्टोरेज स्पेस मिलती है इसके अंदर आपको। क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स की बात करूँ तो ओके है। हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है आपको डैशबोर्ड के ऊपर। पैसेंजर साइड सनशेड के ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलेगी आपको इस वेरिएंट के अंदर। बीच में आप देख रहे हैं कार का रीडिंग लैंप, मैनुअल एडजस्ट के साथ IRVM मिलेगा आपको। ड्राइवर साइड सनशेड के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। बस आप देख सकते हैं कार का ब्लूटूथ माइक्रोफोन। वाइपर ब्लेड की बात करें तो आपको डुअल वाइपर ब्लेड नहीं मिलते हैं, सिंगल वाइपर ब्लेड ही मिलेंगे आपको। चलिए इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन करते हैं, तो ऐसे आप इसके रिवर्स गियर को लगा सकते हैं, प्लस आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, अडेप्टिव नहीं मिलेंगी लेकिन गाइडलाइंस मिल जाती हैं। प्लस आप इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, यानी कि आप ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, कलर टोन को ऐड या डिक्रीज कर सकते हैं, प्लस आप गाइडलाइंस को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और बूट ओपन है इसलिए रूफ की तरफ दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं जब बूट क्लोज होता है। तो चलिए इसका बोनट ओपन करके देखते हैं, तो आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर 96 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। और ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको मैनुअल प्लस RAMT का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, और ये नॉन टर्बो वाला वेरियंट की बात कर रहा हूँ मैं। बोनट के ऊपर आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिलेगी, ताकि कैबिन के अंदर इंजन की नॉइज ना जाए। और ऐसा दिखता है कार का इंजन बे, काफ़ी नीट और नाइस था कार का इंजन बे। प्लस इसके अलावा आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, प्लस आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा एक्सट्रॉनिक CVT ऑप्शन के साथ। चलिए प्राइसेस की बात कर लेते हैं, तो किगर RXZ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 7,55,000 रुपीज़ का पड़ेगा एक्स शोरूम देहरादून। और किगर RXZ ईजी RAMT का जो एक्स शोरूम प्राइस है देहरादून में वो है 8 लाख रुपीज़। और जो मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं ये दोनों नॉन टर्बो वाले इंजन के प्राइसेस हैं। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इस प्राइस रेंज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नाइटी है जो कि किगर की कंपटीशन बनती है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको किगर ज़्यादा पसंद है या फिर मैग्नाइट ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली मैग्नाइट के लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं मैग्नाइट को चूज़ करूँगा। आप कमेंट में जाके बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, किगर या फिर मैग्नाइट। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये है महोगनी ब्राउन, और जो ये वेरियंट है ये है AMT ईजी आर AMT।
चलिए तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी रेनो की किगर। और कमेंट करके ये भी बताइए कि कौन कौन सी गाड़ियों के बारे में आप लोगों को वीडियोज़ चाहिए, मैं उन उन गाड़ियों के बारे में आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे पहले डालता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियों के बारे में वीडियोज़ अब आने वाली हैं यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।